फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सोना आपको स्वागत कर रही हूँ मेरी चैनल लाइफ स्टोरी ऑफ सोना को। फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और सोच रही हूँ कि आप लोग भी अच्छा होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ उड़ीसा का अच्छा पीठा, काकरा पीठा। वो काकरा पीठा सूजी में तैयार है, उसमें नारियल का पूर भर के बना जाता है पीठा को। हम दिखाएंगे आज कैसे बना जाता है काकरा पीठा। तब चलिए देखेंगे उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। उसको बनाने के लिए मैं 1 किलो सूजी लिया है, सूजी 1 किलो लिया। उसके बाद नारियल 2 ठो लिया, क्योंकि मेरे को नारियल बहुत पसंद है इसीलिए ज़्यादा नारियल लिया। तब चलिए बनाने का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। नारियल में थोड़ा सा मैं गोलकी पाउडर और इलायच का पाउडर दे दिया, क्योंकि उसका स्मेल अच्छा आएगा और टेस्ट भी लगेगा। थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने। अभी मिक्स हो गया हमारा, तब चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। अभी गरम कर दिया कढ़ाई को। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी दिया मैंने, क्योंकि मैं 1 किलो सूजी लिया उसी हिसाब से मैं पानी दे रही हूँ। पानी से थोड़ा नमक डाल दिया मैंने, उसको थोड़ा सा शक्कर डाला। पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए, पूरा उबलना चाहिए। पानी उबलने का बाद फिर आपको दिखाएंगे। अभी मैंने सूजी को उसमें गर्म पानी में मिक्स कर दिया। उसको अच्छा से चलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बैठ जाएंगे नहीं तो। ऐसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बैठ जाएंगे। थोड़ा आंच को कम कर देंगे गैस का। ऐसे चलाना पड़ेगा, नहीं चलाने से ये पूरा नीचे लग जाएंगे।
अभी हो गया। उसको एक थाली में निकाल देंगे। थाली से निकाल के फिर आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स अभी मैं सूजी को ऐसे ऐसे गोल कर दिया। गोल करने के बाद ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके मैं उसमें ऐसे पूर नारियल का पूर देंगे। फ्रेंड्स अभी मेरा पीठा बनाने का खत्म हो गया। अभी जाएंगे तेल में छानने के लिए, तब चलिए हम छानेंगे। अभी तेल गरम हो गया, अभी उसको डालेंगे। इसे तेल में डालना पड़ेगा। थोड़ा पलट देंगे। थोड़ा ब्राउन होने से उसको निकाल देंगे, अभी नहीं हुआ।
फिर उसको एक बार पलट देंगे। अभी हो गया, अभी ब्राउन कलर हो गया। देखिए ऐसे सौ पीठा को आप लोग छाँकना पड़ेगा। इतना अच्छा सुंदर कलर आया, देखिए देखिए ऐसी तरीका से करना पड़ेगा आप लोग को। वाह, पूरे सुपर हुआ है। देखिए, देखने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरी रेसिपी देख के अभी आपका घर में बनाइए और खाइए। इसी तरीके से सब पिठे को छंकना पड़ेगा। अभी पूरा तैयार है, अभी दिखाएंगे आपको ये अंदर में कैसे हुआ। देखिए पूरा, देखिए ये अंदर में नारियल बहुत अच्छा है। आप लोग भी घर में बनाइए। जब मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए प्लीज। जय जगन्नाथ।